तहसील बटाला तो गुरदासपुर रोड से स्थित समुचा नगर दशमेश नगर के वसनीक सरदार शीतल सिंह जी शाह पिछले दिनी गुरु चरणा विच जाग रहे सन। उन्हां दी आत्मिक शांति वास्ते उन्हां दे सुपुत्र सरदार हरपाल सिंह जी अते सरदार रशपाल सिंह जी अते समूह शाह परिवार वालों रखे श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। भोग तो उपरंत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी छत्र छाए हेठ धार्मिक दीवान सजाए गए, जिस विच पंजाब दे प्रसिद्ध भाई शौकीन सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब अते भाई अजीत सिंह जी दे कीर्तनी जत्थे ने कीर्तन कर समूह संगतां नूं महाराज जी दी पवित्र बाणी नाल जोड़िया। इस मौके ते संगतां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे नतमस्तक हो रही सन। इस मौके ते भाई भूपिंदर सिंह जी अते सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी हेड ग्रंथी श्री हरमिंदर साहिब जी ने अपने प्रवचना राही समूह संगतां नूं गुरु इतिहास तो जाणू करवाया। पावन
भगत वशल कृपा दे खजाने जुग जुग अटल दशा ही पातशाहियां दी जाग दी जोत गुरता गर्दी ते विराजमान शब्द गुरु शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग गौरान तन तन सतगुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच गुरमुखां दे ग्रह विखे सत्कार योग बजुर्ग सरदार शीतल सिंह जी दे दशहरे दे निमित्त जो गुरमुख परिवार वालों बारी है जेड़ा भी आया उन्ने चला जाना हरेक दी वारी आउणी है वारी आपो अपनी कोई न बंदा तीर पत पाए दरबार सतगुर शब्द पहै परम सन्मान जो साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र हजूरी विखे सुभाए मान गुरु सवारे गुरु खालसा सत संग जी प्यार सहित सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई फतेह दी सांझ करिए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दा ए गुरमत समागम सरदार शीतल सिंह जी की याद विच उन्हां दे समुचे परिवार वालों उन्हां दा दुसहरा मनाउंदिआं रखिया गया तुरकी बाणी दा सहज पाठ सेवक परिवार ने आरंभ करवाया सी। तुरकी बाणी दे सहज पाठ दे भोग पाए गए हन उपरंत सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे हजूरी रागी भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी दे जथे ने तुरकी बाणी दा वैरागमयी कीर्तन आप समूह संगतां नूं सरवण करवाया है। इस मौके ते सुरगवासी सरदार शीतल सिंह जी दे नजदीकी रिश्तेदार कस्बा बटाला कालानंगल ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। इस मौके ते सुरगवासी शीतल सिंह जी दे नजदीकी रिश्तेदारां अते जथेबंदियां वल्लों सांझे तौर ते दस्तारबंदी दी रस्म अदा कीती गई। Thank you.
अंत विच अरदास हुई अते हुक्मनामा लिया गया। इस मौके सरदार सतनाम सिंह जी ने समूह संगत का धन्यवाद करते हुए कहा, साडा वीर सरदार सीतल सिंह जी जिन्हां ने बचपन तो ही पिता जी दे नाल बड़ी मेहनत की, इस वीर की उंगली फड़ करके असीं मेला वेखण जाया करदे सां। जवान होण ते सानूं विदेश विच भेजण वाले भी यही वीर सन। ठीक है, समा किसी का लिहाज नहीं करता, समय मुताबिक जदों भी सवासा की पूरी होंदी है इस संसार को जाना पैंदा है। बहुत दुख हंकाया साडे वीर ने पर शावर से साडी भाभी ते परिवार दे जिन्हां ने बड़ी अंतक सेवा दिन रात इक करके कीती है। दुख सुख जिहड़े हन इह किसी दे जत्ते नहीं हुंदे, इह पिछले जन्मां दे दा साबका होया करदा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए गुरबाणी फरमाउंदी है, पूर्वले जन्मों का हिसाब किताब होंगे और भैन भरा माता पिता रिश्तेदार संबंधी जो भी पूर्वले जन्मों के ही संबंधों के नाल संजोग बनते हैं। माता पिता बिनता संबंधक इष्ट मीता भाई पूर्व जन्म के मिले संजोगियों के पुरस्कार पूर्व जन्मों के ही मेल होंगे ने। ठीक है, परिवार का मोह दंदा जड़िया ने प्रगट हो जाए ने, पर जो अभी गुरबाणी की कसौटी से गुरबाणी की उचाप गुरबाणी पढ़ के विचारते हाँ तो सचमुच ही सानू ये पता लगता है कि एक फानी संसार है, एक खत्म होने वाला संसार है, नाश होने वाला संसार है। केवल तो केवल नाम ही जड़ा है वो ही सदा चलने वाला है। जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, वारी वारी दे नाल सब नूं जाना पैंदा है। मरन लिखाए मंडल में आए, मंडल चाहण तों पहलां मरन लिखा के आना पैंदा है ते वारी दे नाल सब नूं जाना पैंदा है। असां भी उत्थे जाना, इक नहीं लग्या इक लग चले, इक नहीं बंदे भार कि चल गए ने, कईआं दी तैयारी आ ते कईयां ने चले जाना है। सो गुरबाणी जिहड़ी आ सानू हमेशा ही समुक्ति दिंदी आ, सानू यही दसंदी आ कि भाई इस जग दे अंदर रह नहीं रहना। गुरबाणी के अंदर अनेकां तरह दियां प्रमाण दे के सतगुरु पातशाह ने सानू जीवन जात सिखाई है। जैसे सुपना रहन का तैसा संसार, रात नूं सुपना आया सवेरे देखिया कखी भी नहीं, एग्जैक्टली इसे तरह ही इस संसार है। किधरे पातशाह पंछियों की उदाहरण देते ने, बिलखे ही सब जल्द कट्ठे, एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस औते आप चले ज्यो ज्यो आदमा हाथियां। रात नूं बिरख दे हेठां दरख्त आण के बैठ जाते ने, की माला टिंड लगदा। Hey.